स्वागत है श्याम जी वसीता साहब, श्याम जी वसीता साहब। लेकर के हमारा विद्यालय कहां तक पहुंच रहा है और इसकी कहां तक की ओर पहुंचने की संभावना है, मेरे को इस संभावना बहुत उज्जवल लग रही है। एक बेहतर से बेहतर हम लोग नींव डालने वाले हैं इस मनासा नगर की, इस शिवराज विद्यालय के माध्यम से संस्कारों को लेकर के, वो बिल्कुल हमको गौरवान्वित महसूस होगा। हम भी बात करेंगे, बच्चे बात करेंगे आपसे। तब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। हम विद्यालय में आते हैं तो हम विद्यालय के बाहर दहलीज को नमन करते हैं, फिर अंदर आकर सरस्वती माता को भी हम नमन करते हैं, फिर गुरुजनों के हम चरण स्पर्श करते हैं, हम कक्षा में जाकर कक्षा को भी हम नमन करते हैं, फिर बेल लगती है, हम नीचे आते हैं और पंक्ति से हाइट वाइज हम यहाँ बैठते हैं और सरस्वती माता को याद करते हैं। और सरस्वती माता को तो हम याद करते ही हैं, साथ साथ में हम अपने भगवान ईश्वर स्वरूप माता पिता को भी हम यहाँ याद करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर एक गीत चलाते हैं, उससे हमें माता पिता का एहसास होता है। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, धीर जो उनको कौन बनाए, आज वो अपने खुद
ऐसा अनुभव महसूस होता है कि हम किसी सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में प्रवेश करते हैं। पूर्व में जब कोई प्राइवेट स्कूल संचालित होता था ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पर 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे और टीचर 2 हुआ करते थे। लोगों का रुझान शासकीय स्कूल से प्राइवेट की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल की स्थिति खराब होती गई। और आज सीएम राइज स्कूल को हम देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि अब रुझान उल्टा हो गया है। नया काम कर रहा है व्यक्ति का निर्माण, परीक्षा, परीक्षा के नंबर, पास फेल फर्स्ट सेकंड मेरिट, ये बहुत अलग चीज है। वो नंबर देखने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट आदमी जो होता है, एक अच्छा इंसान जो होता है, वो समाज की पूंजी होता है। और वही अच्छा इंसान बनाने की कवायद, अच्छा इंसान बनाने की जो मेहनत है, वो सीएम राइज स्कूल में हो रही है। क्योंकि एक विद्वान ने कहा है कि अगर दूरंदेशी 1 साल के लिए है तो फूल वाले पौधे लगाइए। आप फूल वाले पौधे लगाते हैं तो 1 साल में फूल आना शुरू हो जाते हैं। दूरंदेशी अगर कुछ सालों के लिए है तो फल वाले पौधे लगाइए, क्योंकि कुछ सालों में फल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर दूरंदेशी अनंत काल के लिए है तो व्यक्ति का निर्माण कीजिए, और उसी व्यक्ति का निर्माण दूरंदेशी के साथ इस स्कूल में हो रहा है। देखिए आपकी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जब आप लोग अच्छे बनेंगे और अपने घर में जाएंगे, आपके अच्छे बनने से आपका घर अच्छा बनेगा। आपका घर अच्छा बनेगा तो आपका मोहल्ला अच्छा बनेगा, आपका मोहल्ला अच्छा बनेगा तो आपका गांव अच्छा बनेगा, और आपका गांव अच्छा बनेगा तो पूरा क्षेत्र अच्छा बनेगा। तो उस अच्छाई की शुरुआत कहाँ से होगी? आपसे होगी, और सीएम राइज स्कूल से होगी। तो आप सभी अच्छे बने, एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि आपके भविष्य के साथ इस क्षेत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें। सभी को एक एक करके देखें, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा होती है, थोड़ी देर लग गई उधर से आते आते, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका स्टाफ, आपके टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रमाण है कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम लोग जब पुरस्कार देते हैं, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारा आने का काम पड़ता है, आपके संस्कारों को देखने का भी काम पड़ता है, लेकिन जब 6 बनासा नगर के बच्चों को हमने पुरस्कार दिया जिनने सबसे ज्यादा नंबर पाए, तो मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि उन 6 बच्चों में से 5 बच्चे सीएम राइज स्कूल के थे। सभी ने कहा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है। बिल्डिंग सुविधाएं ये बहुत अलग चीज है, ये निर्जीव चीज है, लेकिन इसमें जान किससे आती है? आप लोगों से आती है, आपके टीचर्स जो है शिक्षा देते हैं उससे आती है। और मुझे लगता है कि बिल्डिंग से ज्यादा ऊर्जा आप लोगों और आपके स्टाफ में है। एक बार जोरदार तालियां अपने स्टाफ के लिए भी बजाएं।